एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये राशि के अनुसार एक एक करके मैं पोस्ट करती जाऊँगी। और टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एक्शंस, जिनको ओवरऑल जनरल रीडिंग देखनी है। जो जनरल रीडिंग देखना प्रेफर कर रहे हैं वो मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट करें। दूसरे चैनल पे मैं मंडे को रिलीज़ करूँगी जनरल रीडिंग सब राशि के अनुसार, जो ओवरऑल जनरल रीडिंग मैं करती हूँ, करियर, फाइनेंस एंड पूरा जो डिटेल रीडिंग होती है वो दूसरे चैनल पे करूँगी। दूसरे चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मंडे को वहाँ पोस्ट करूँगी और यहाँ पर आज संडे को फीलिंग्स और एक्शंस जो है आपके पार्टनर के करेंगे राशि के अनुसार, और देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है 9 अप्रैल टू 15 अप्रैल तक आप लोगों की लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जो नो कांटेक्ट में हैं या अपने पार्टनर से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या जिनके कुछ गिले शिकवे हैं, उनके लिए देखे जाएंगे। और राशि कैसे देखेंगे, मून साइन के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नाम के अनुसार देखें, चंद्र राशि के अनुसार देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको अपनी चंद्र राशि या नाम के अनुसार नहीं पता आपकी राशि कौन सी है, तो इन दैट केस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा जो है एक डिटेल आ जाएगा जिसमें मैंने नाम और राशि सब लिख रखा है। आपकी राशि के सामने, मतलब आपके नाम के पहले लेटर के सामने कौन सी राशि है, उस हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। आपको आइडिया लग सकता है और फ्यूचर के लिए भी आपके काम आ सकता है। बट अगर आप चाहें तो आप डेट ऑफ बर्थ या राइजिंग साइन के अनुसार देख सकते हैं। टारो में आप मून साइन, सन साइन, जैसे भी चाहें वैसे प्रेफर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, अपने ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, सो चलिए लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम एक एक राशि के अनुसार। ठीक है, आपको अपनी राशि अनुसार जो है रीडिंग्स देखनी है, अपने पार्टनर के अनुसार नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो अब बारी है सैजिटेरियस राशि यानी कि धनु राशि वालों की। देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपके लिए। फोर ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्स, द फूल, चैरियट, एम्परर, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके ओके बेटा, ओके यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे। सैजिटेरियस राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस, धनु राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे 9 to 15 अप्रैल। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या होंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। वाव, मैं एक सेकंड के लिए शॉक थी पर मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि ये तो पार्टनर की एनर्जीज है यार, ये आपकी थोड़ी ना है। सो धनु राशि वालों, आप लोगों का टाइम बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली तो वैसे आप लोगों की एनर्जीज में बदलाव या तब्दीली 21 या 22 अप्रैल के बाद होने वाली थी, बट कहीं ना कहीं उसके जो अच्छे वाले पॉजिटिव इफेक्ट्स है उसका एक देखने को लाइक कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि चीज़ें आपके लिए, उसके लिए लाइक उसके, मेरे तो पता है मुंह पे शब्द भी शब्द ही नहीं मिल रहे, तो उसके कहीं ना कहीं शेडो जो होते हैं ना कि ब्लेसिंग्स के, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक। इस वीक आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते नज़र आएंगे, आपको वापस से हासिल करना चाहेंगे अपने जीवन में, और कहीं ना कहीं आपको लेकर ना एक ओवर थिंकिंग के लिए चले जाएंगे। एक ओवर थिंकिंग रहेगी इनके मन में कि कैसे आप लोग दोनों के बीच के सिचुएशन सॉर्ट आउट करने हैं। इनके लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ इनके कोई डिफरेंसेस होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक। इस वीक ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी थर्ड पार्टी से या तो लड़ाई हो जाएगी या कोई डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे, या कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि वो जो भी अब तक करते आए वो कितनी बड़ी लाइक मिस्टेक्स रही। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत ज़्यादा लव लाते हुए, बहुत ज़्यादा आपके प्रति स्नेह महसूस करते हुए, आपके प्रति इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए इनके मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप्ड होंगी इस वीक। इस वीक ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली ऐसा फील करेंगे कि जहाँ वो हैं, जहाँ जिसके साथ वो हैं, वहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वहाँ ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, और उनको ऐसा लगेगा कि इनके ऊपर जैसे कि हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खुद को ऐसा फील करेंगे कि यार
जो भी हुआ वो रॉन्ग था और इस रिश्ते को मुझे दोबारा से स्टार्ट करना है। आपके वजह से इनका हार्ट ब्रेक भी होगा, इस हफ्ते इनका हार्ट ब्रेक होगा, आपकी वजह से भी होगा। आप भी इन चीज़ों में, मैं आपकी एनर्जीज भी चेक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आपकी वजह से भी कुछ हार्ट ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं, मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँगी। अच्छा, आपके पार्टनर के साइंस होंगे लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड एरिस लियो सजिटेरियस, जो मुझे स्ट्रांगली ओके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है। नंबर 24, नंबर 14, 4, 6, 7, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 1, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं धनु राशि वालों की एनर्जीज क्या होंगी 9th टू 15th अप्रैल, धनु राशि वालों के उनके पार्टनर के लिए क्या होंगी फीलिंग्स। सन 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, आप शायद अपनी लाइफ में या तो आगे बढ़ रहे हो या आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हो, आपको रियलाइज हो चुका है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी डिग्निटी के आगे कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर आपकी लाइफ में आपके ऊपर और किसी का बड़ा ओहदा नहीं हो सकता। आप एक सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरते हुए हैप्पीनेस की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग जो हैं या तो कहीं और शादी के बाद चला रहे हैं या किसी और नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप जो है अपनी लाइफ में बस एक ये बोलते हैं ना एफर्ट डाल चुके हैं, जहाँ पर आपने डिसीजन ले लिया कि दैट्स इट, अब मुझे आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में अपनी एक नई शुरुआत करनी है, इनफ इज़ इनफ, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ऑलरेडी, आपने इनके वजह से बहुत कुछ फेस किया है, बट नाउ इट्स अ हाई टाइम जब आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं और आपको कॉन्फिडेंस है इस बात का कि आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ मिलेंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार मिलेगा, आपकी लाइफ में वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। लाइक कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ों को अपनी लाइफ में पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है। बट आपके आगे बढ़ने से, आपके नो रिएक्शन से, आपकी अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ को देखकर, जिस तरह आप ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह आप आसानी से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन समझ चुके हैं, उसी तरह आपके पार्टनर आपको देख देख बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक आपके लिए इनके मन में एक ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पर इनको लग रहा है कि आप सडनली बहुत सेल्फिश हो गए हो, आप सडनली सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, या आप अब इनके लिए प्यार नहीं करते, आप इनसे प्यार नहीं करते। लाइक इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपको इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप बदल रहे हो और आपके इस बदलाव से इनको बेचैनी हो रही है, इनको आपके प्यार का एहसास हो रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया उसको लेकर इनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन इस हफ्ते ज़्यादा हो रही है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के एक्शंस में मुझे आपकी तरफ ये रोमांटिकली आते हुए, आपके लिए बहुत ही रोमांटिक होते हुए, लविंग होते हुए, एक प्रपोजल लाते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, अभी तक मुझे जितनी भी राशियाँ मिली उन सब में से एक ही राशि मुझे ऐसी मिली है जिसके लिए अभी मुझे एक्शंस मिले हैं। हो सकता है अभी आगे की राशियों में जो है, जो बची हुई राशियाँ हैं उसमें कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ धनु राशि के लिए मुझे एक्शंस दिखाई दिए हैं। और यूनियन के चांसेस हैं, रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं, आप लोगों के लिए एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप्ड हो रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए दो रिलेशनशिप आते हुए नज़र आ रहे हैं, नया और पुराना एक साथ, पर काफ़ी लोगों के लिए एक्स की एंट्री एक लवेबल रोमांटिक हीरो या हीरोइन से कम नहीं होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके लिए कहीं ना कहीं इमोशनली आते हुए, आपको अपनी लाइफ का सब कुछ मानते हुए, आपको अपनी लाइफ में दोबारा हासिल करते हुए, अर्न करते हुए, सक्सेसफुली आपको जीतते हुए या कुछ कमिट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि फाइनली वो आपको कुछ कमिट कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताएं यहाँ पर आपकी एनर्जीज में एक नया चेंज है, आपकी एनर्जीज में आप बदल रहे हो, आपकी एनर्जीज में आप ऐसे हो कि आपकी डायरेक्शन अलग ही लेवल पे जा रही है, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि अब मेरे साथ सब अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, लाइक आपके अंदर कुछ बदल गया है, वेरी स्ट्रांग, वेरी पॉजिटिव, लाइक इस तरीके की एनर्जी है। बट आपके एंड आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत लॉयल, बहुत ही ऑनेस्ट और काफ़ी इमेंस लव, एक स्ट्रांग डेप्थ वाला डीप लव क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं, जिसमें से लग रहा है ये आपको घर देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं, संसार की सारी खुशियां देना चाहते हैं, अब आपके लिए जैसे उतना कदमों पे पूरी जन्नत बिछाना चाहते हैं वाली एनर्जी है। क्योंकि आप खुद ही देखो एक्शंस में कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल आए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको किसी चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, एंड नाउ ही और शी उनको आप चाहिए। यूनिवर्स सजेशन क्या है धनुराशि वालों के लिए, सजेशन क्या है, एडवाइस, सजेशन धनुराशि वालों के लिए क्या है।
हर्मिट, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो कभी कभी जब आपके लाइफ में ना आपके लिए सीधी चीज़ें, मतलब बोलते ना कि देखो आपके लाइफ में ना वो घटित होगा जो आप सोचोगे. अगर आपकी लाइफ में आपने सोच लिया, ये मान लिया है कि मेरे जीवन में तो अंधकार है, हाय मेरी ज़िंदगी, हाय मेरी ज़िंदगी, और दुखी रहना ही सीख लिया है कि चलो तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, अब ये ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं मिली, अगर ये अपने थॉट प्रोसेस बना लिया है तो आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो सकता. लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ के लेसन सीख लिए हैं, सबक कुछ सीखे हैं, और आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं यार मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा ही होना है और अच्छा ही होगा, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, डेफिनेटली वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होकर रहती है. फिर वो किसी भी तरीके से आप मैनिफेस्ट क्यों ना कर रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि टेक स्टैंड, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए खड़े रहना सीखो, अपनी आवाज़ में बुलंदी लाओ, अपने आप को लाचार, बेबस और एक दुखियारा विक्टिम बनाना बंद करो. यू आर नॉट अ विक्टिम, आप विक्टिम नहीं हो. अगर आप देखोगे आईने में खुद को, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप बेचारे तो नहीं हो, आप पावरफुल हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, और किसी में दम नहीं है कि आपको कोई झुकाए. आप लोगों को झुका दो, आप वो पर्सनैलिटी हो. धनुराशि वाले वैसे मालूम है ना कि उनका जो सिंबल ही है वो ऐसे लाइक धनुष की तरफ लाइक डला हुआ है कि भाई ऐसे गोल की तरफ, क्योंकि जब धनुराशि वाले ठान लेते हैं ना तो आई स्वेयर वो पूरी कायनात को खींच लेते हैं और बोलते हैं ये चीज़ मुझे चाहिए, तो मतलब तुम्हें देखे ही रहना है. बस प्रॉब्लम ये है कि धनुराशि वाले ना पिछले कुछ टाइम से अपने नक्षत्रों के हेर फेर की वजह से या साढ़े साथी की वजह से क्यों ना कह लो, अपने पावर को भूल गए. अब पावर को जगाने का टाइम आ गया है, बिकॉज ये एक वो साइन है जहाँ पर आपके लिए विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ड्रीम कम ट्रू हो सकते हैं. बट डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज पे. अगर आपको रोते धोते रहना है, हाय मेरी ज़िंदगी करना है, तो वो चीज़ें फिर आपको मिलने से रही, ठीक है. आपके अंदर एक एनर्जी है जो यूनिवर्स की भेजी हुई है, उसका इस्तेमाल और उसका प्रयोग बस वाइसली करें, ठीक है, दिमाग से करें. ओके, सो ये थी धनुराशि वालों आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. अगर आप लोगों को जो दूसरी करियर ये वो फाइनेंस रिलेटेड रीडिंग्स देखनी है, डिटेल रीडिंग्स देखनी है, तो मंडे को मैं पोस्ट करूंगी दूसरे चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं. वो रीडिंग्स के लिए आप जो है लिंक आपको दूसरे चैनल की जो है वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम.